हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज, इफ एक मैट्रिक्स दे रखी है 2x1 की, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ, ये भी 2x1 की मैट्रिक्स है, एक्स 2y इक्वल टू -2 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी मैट्रिक्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन दे रखा होगा तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए, दे रखा है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये दो एलिमेंट दे रखे हैं इस मैट्रिक्स में, -3 टाइम्स, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, देन वी गेट 3x एंड 3 2s are 6y इक्वल टू में -2 और 9। अब देखिए, यहां पर सब्ट्रैक्शन लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स में क्या होगा, 3x। इसी तरह यहां पर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर -6y इक्वल टू में -2 और 9। अब देखिए, यहां पर इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस का रूल लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x इक्वल टू -2 और वाई स्क्वायर -6y इक्वल टू 9। क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है y की, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, देन वी गेट वाई स्क्वायर -6y -9 इक्वल टू 0। तो अब देखिए, इसको धराचार मेथड से सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, -b, b की वैल्यू कितनी है, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, -4ac, तो 4 × a की वैल्यू है 1, तो 4 × 1 = 4, और -9 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ आ जाएगा +36 अपॉन में कितना, 2a, a की वैल्यू है 1 तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, और प्लस में अंडर रूट 36 कितना हो गया, 72। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6√2/2। यहां पर देखिए, अगर 3 को कॉमन ले लें या 6 को हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, 1 प्लस माइनस √2/2, 2 से कट कर लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू आ रही है 3 × 1 = 3 प्लस माइनस 3√2। ये हमें किस ऑप्शन में मिल रहा है, ए में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।